लोग। आज गाइस हम उस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं जिससे फर्क नहीं पड़ता आप टीवा बी कॉम के हो या टीवा बैच के हो, आपके लिए वो चैप्टर उतना ही इंपॉर्टेंट सकता है गाइस। तो आइए बात करते हैं उस चैप्टर के बारे में जिसका नाम है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। सो गाइस इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करने से पहले हमें जानना होगा इसका पहले अब मतलब जान लेते हैं गाइस। फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई जेड कंपनी है और ये कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है, काफी लॉसेस से गुजर रही है, तो हमें क्या करना है इस लॉस मेकिंग कंपनी को लॉस से उभारना है और प्रॉफिट मेकिंग में लाना है, इसी को हम कहते हैं इंटरनल कंस्ट्रक्शन। सो सर करते कैसे है, कैसे करते हैं? तो ये करने के लिए हम लोगों को मतलब एक्स वाई जेड कंपनी अपने असेट्स इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी, अपने लाइबिलिटीज इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी। तो अपने असेट्स एंड लाइबिलिटीज को इंक्रीज डिक्रीज करके गाइस वो लोग इंटरनल रिकर्शन करेंगे। तो इंटरनल रिकर्शन का मतलब क्या हुआ, चेंजेस डन विद इन द कंपनी विदाउट इन्वॉल्विंग आउटसाइडर, बाहर वालों को इन्वॉल्व किए बिना मैंने अपने कंपनी में चेंजेस किए। सो गाइस ये असेट्स और लाइबिलिटीज कम ज्यादा करने के लिए हम एक हथियार का सहारा लेंगे, उस हथियार का नाम है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। क्या 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 कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, जिसको हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलेंगे सीआर अकाउंट। क्या बोलेंगे सीआर अकाउंट और फुल फॉर्म है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। अब गाइस सीआर अकाउंट का दो इंपॉर्टेंट रूल है, क्या 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 दो इंपॉर्टेंट रूल है। चलो दो इंपॉर्टेंट रूल सीआर अकाउंट, लॉस हुआ तो क्या 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 लॉस हुआ तो सीआर अकाउंट डेबिट। क्या बोला 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 सीआर अकाउंट डेबिट, लॉस हुआ तो सीआर अकाउंट डेबिट, लॉस हुआ तो सीआर अकाउंट डेबिट। सो प्रॉफिट हुआ तो, प्रॉफिट हुआ तो सीआर अकाउंट क्रेडिट। क्या कहते हैं प्रॉफिट हुआ तो सीआर अकाउंट क्रेडिट, लॉस हुआ तो सीआर अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट हुआ तो सीआर अकाउंट क्रेडिट, लॉस हुआ तो सीआर अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट हुआ तो सीआर अकाउंट क्रेडिट, लॉस हुआ तो सीआर अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट की हुआ तो सीआर अकाउंट क्रेडिट। सो गाइस अब हम लोग देखते हैं ये रूल अप्लाई कैसे होता है। तो मैंने ये दोनों रूल्स लिख दिए, लॉस हुआ तो सीआर अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट हुआ तो सीआर अकाउंट क्रेडिट। तो आइए इसके अंदर सबसे पहले पकड़ेंगे हम लोग असेट्स, असेट्स को पकड़ा। अब एक सिंपल बताओ असेट्स मतलब मेरा प्रॉपर्टी, एकदम इजी मैनर में समझने के लिए असेट मतलब मेरा प्रॉपर्टी। अगर मेरा असेट बढ़ा तो प्रॉफिट ही की लॉस है प्रॉफिट, और मेरा असेट कम हुआ तो लॉस। मेरा असेट बढ़ा तो प्रॉफिट, मेरा असेट कम हुआ तो लॉस, असेट बढ़ा तो प्रॉफिट, असेट कम हुआ तो लॉस, असेट बढ़ा तो प्रॉफिट, असेट कम हुआ तो लॉस। अब फर्स्ट थिंग मेरा असेट इंक्रीज हो रहा है, अगर मेरा असेट इंक्रीज हुआ, असेट इंक्रीज हुआ तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस, ए प्रॉफिट 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 प्रॉफिट, और प्रॉफिट हुआ तो सीआर अकाउंट क्रेडिट, तो सीआर अकाउंट क्रेडिट। सर डेबिट में क्या आएगा, डेबिट में असेट्स का नाम,
करेंगे अगर मेरा असेट डिक्रीज हुआ, डिक्रीज ए डिक्रा, अगर मेरा असेट डिक्रीज हुआ तो बोलो प्रॉफिट हुआ कि लॉस, लॉस और लॉस हुआ तो सीआर अकाउंट डेबिट, सीआर अकाउंट डेबिट, तो सर क्रेडिट में क्या आएगा मेरे असेट्स का नाम। गाइस अब हम पकड़ेंगे लाइबिलिटी साइड को। अब पहली बात तो एकदम सिंपल मैनर में लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है, कर्जा, सिंपल मैनर में समझने क्या होता है कर्जा, क्या होता है कर्जा, लाइबिलिटीज। अगर सिंपल बताओ मेरा लाइबिलिटीज बढ़ता है तो लॉस है और लाइबिलिटी कम हुआ तो प्रॉफिट। लाइबिलिटी बढ़ता है तो लॉस है, लाइबिलिटी कम होता है तो प्रॉफिट है। लाइबिलिटीज बढ़ता है तो लॉस है, लाइबिलिटीज कम हुआ तो प्रॉफिट है। तो पहले देखते हैं इंक्रीज इन लाइबिलिटीज। अगर मेरा लाइबिलिटी इंक्रीज हुआ तो लॉस है और लॉस हुआ तो सीआर अकाउंट डेबिट, सीआर अकाउंट डेबिट, तो सर क्रेडिट में क्या आएगा लाइबिलिटी का नाम। और अब हम देखेंगे डिक्रीज इन लाइबिलिटी। अगर मेरा लाइबिलिटी डिक्रीज होता है, कम होता है, क्या होता है कम होता है तो प्रॉफिट है, और प्रॉफिट हुआ तो सीआर अकाउंट क्रेडिट, तो सर डेबिट में क्या लिखेंगे, डेबिट में लाइबिलिटी का नाम। सिंपल एज इट इज।